मोर पहाड़ी में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया महाराजा छत्रसाल का जन्मोत्सव। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक सहित जतारा विधायक हरिशंकर खटीक की अतिथियों ने की भूरी भूरी प्रशंसा। जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने मंच के माध्यम से अतिथियों का सम्मान किया तो मैदान में बैठी जनता जनार्दन पर पुष्पों की वर्षा की। खबर आई है जतारा से, देखते रहिए न्यूज जतारा। मनीष दुबे, सागर सोनी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के जतारा जतारा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत दरियापुर के मोर पहाड़ी पर जन्मे महाराजा छत्रसाल की जयंती सांस्कृतिक विभाग के द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री भाजपा प्रदेश महामंत्री जतारा विधायक हरिशंकर खटीक रहे। वहीं अतिथि क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह चौहान, एडवोकेट राजेंद्र सिंह बुंदेला, अनुराग वर्मा। कार्यक्रम की अध्यक्षता टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर सुभाष द्विवेदी, पुलिस प्रशासन के मुखिया एसपी रोहित काशबानी ने की। सबसे पहले महाराजा छत्रसाल के चबूतरे पर विधि विधान से पूजन कर तिलक माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात सांस्कृतिक मंच पर मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कन्या पैर पूजन किया। इसी अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने महाराजा छत्रसाल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए वीरगाथा बताई। कहा है यहाँ पर जितने भी पुष्प अर्पित किए जाएंगे शायद बगिया में फूल कम पड़ जाएंगे। यह एक तीर्थ स्थल है, यहाँ पर जिले के सभी स्कूलों के छात्रों को महाराजा छत्रसाल के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। एक और प्रथा होना चाहिए, नव दंपति के हाथे महाराजा छत्रसाल के चबूतरे पर लगना चाहिए। इसी अवसर पर जतारा विधानसभा के लाडले विधायक हरिशंकर खटीक ने कहा है अब ये कार्यक्रम सांस्कृतिक विभाग का है, हमसे जो बन पड़ा है मैंने किया है और करता रहूंगा। मैंने इस कार्यक्रम को सांस्कृतिक विभाग के पंचांग में जुड़वा दिया है, अब ये हर वर्ष महाराजा छत्रसाल उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पर जल्दी ही महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा लगाई जाएगी जिसकी कार्रवाई जारी है। मैं यहाँ पर विकास में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। वही क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, जतारा विधायक हरिशंकर खटीक की तारीफ करते हुए कहा है दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक कार्य किया है, बस अब कमी रह गई है तो प्रतिमा की। इसी अवसर पर जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने कहा है कि अगले कार्यक्रम के पहले यहां महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा होगी। जो भी जिले से कार्रवाई बाकी बची हुई है मैं उसको जल्द ही पूरा करूंगा और टीकमगढ़ जिले के सभी स्कूलों के बच्चे हर वर्ष यहां घूमने आएंगे। जतारा एसडीएम अभिजीत सिंह, लिधौरा तहसीलदार अजय झा, पलेरा जनपद सीओ मिश्रा, पलेरा तहसीलदार, पलेरा महिला बाल विकास अधिकारी सहित चंदेरा थाना प्रभारी शैलेंद्र सक्सेना अपनी टीम के साथ व्यवस्था संभाले रहे। लोकगीत गायन ने बांधा समाज, राजेंद्र गुर्जर एवं सभी साथियों ने लोकगीत गायन कर पूरे कार्यक्रम में समा बांध दिया। ये मानो कि इनामों की लगी बौछार, महाराज छत्रसाल की महिमा भी बुंदेली में गाकर के बेटे श्रोताओं एवं जनप्रतिनिधियों का मन जीत लिया। सुगम संगीत कलाकार राजू बावरा एवं साथियों ने जनता का मन मोह लिया। इसी के साथ सुशील पूर्णिम चतुर्वेदी ने भी अपने साथियों के साथ रंगारंग कार्यक्रम में चार चांद लगाए। वहीं लोक नृत्य कलाकार परमानंद केवट एवं साथियों ने भी छत्रसाल के मंच पर अपना जलवा कायम रखा। पूरी रात्रि इनाम और तालियों की रही बौछार। इस उपनरात सुनील खटीक, अतुल खटीक, रमेश पाठक, पारिचत कुशवाहा, प्रशांत खरे, एडवोकेट वंटू साहू, पंकज शर्मा, वंटू शर्मा, अमित सूत्रकार, मनोज सिंह सेंगर, गणेश आदिवासी, वंशी नामदेव, ऋषि भदौरिया सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय के लोग श्रोतागण के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम करा लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को। संयुक्त रूप से दोनों महापुरुषों की जयंती एक साथ मनाने का मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया। पहली बार माननीय सांसद जी के साथ आया था और उस समय जो चार पांच मांगे थी उनमें सबसे प्रमुख मांग जो थी कि प्रतिमा लगाई जाए।